I'm Dr. Zarubi Gupta, your pediatrician. Newborn demonstration series में हमने head to toe start किया हुआ है, तो अब बारी है neck को कैसे clean रखें, neck को कैसे साफ रखें। देखिए मतलब it is very ignore, मतलब ignore हो जाती है neck। हम हर चीज का जो साफ साफ सामने सामने दिखता है उसे तो अच्छे से clean करते हैं, बच्चे का neck hold तो होता नहीं है, तो neck तो बिल्कुल छुपा रहता है, wrinkles होते हैं उस पर बहुत सारे, तो उसकी क्लीनिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये हम आज डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक पे। तो हमें क्या चाहिए, अपना प्यारा बेबी डमी। तो ये आ गया हमारा बेबी डमी। हेलो बेबी डमी, आपकी नेक थोड़ी सी दिख रही है, तो उसको ये तो डमी है इसलिए इतने रिंकल्स नहीं है, लेकिन आप अपनी बेबी के देखेंगे तो बहुत सारे फोल्ड्स स्किन के पड़े रहते हैं क्योंकि होल्डिंग नहीं आई है, उसके नीचे का हिस्सा छुपा हुआ रह जाता है। इवन आप नहलाते भी हैं, मसाज भी करते हैं, तो वो कई बार छूट जाता है। तो ध्यान क्यों रखना है कि उस फोल्ड के नीचे काफ़ी सारा, जैसे आपने बेबी को कुछ पाउडर लोशन ऑयल अप्लाई किया, वो वहाँ पे सारा रह जाता है, और स्वेटिंग पसीना आया, बच्चे को थोड़ी गर्मी लगी, उसकी वजह से वहाँ रेडनेस आ जाती है। कई बार आप बच्चे को मिल्क पिलाते हैं, वो नेक के फोल्ड में छुपा रह जाता है, ऊपर ऊपर से तो क्लीन किया, वो बेबी के नेक के फोल्ड में छुपा हुआ रह गया। तो जब भी आप बच्चे को नहला रहे हो, मसाज कर रहे हो, फीड करा रहे हो, उसके बाद हमेशा चेक कर लीजिए कि बेबी के नेक के फोल्ड की स्किन कैसी है, वहाँ पे बच्चे को रेडनेस तो नहीं आ गई है। वहाँ पे बच्चे को कई बार स्किन अगर काफ़ी देर तक ऐसे रह जाए तो कट जाती है, ब्लड आ जाता है, तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर कोई भी मैल जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, तो उसको प्यार से सॉफ्ट तरीके से आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ के लिए तो आप कोई क्लोथ भी यूज़ कर सकते हो, उसको हल्का सा मॉइस्ट किया और वो सारी जो नेक लाइन बनी हुई है नीचे स्किन की, उससे क्लीन किया और उसको ड्राई कर दिया। देखिए वैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बेबी पाउडर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट है, बार बार मॉइस्ट हो रहा है, स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो आप थोड़ा सा बेबी पाउडर डाल करके उसको ड्राई कर दीजिए, ताकि वहाँ रेडनेस होकर के बाद में और इन्फेक्शन ना बन जाए। तो आप ये रूटीन में ऐसा करिए, इससे बेबी की नेक लाइन जो है वो क्लीन रहेगी और बेबी हेल्दी रहेगा, इरिटेट नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे स्वेटिंग रहे, गंदगी जमा रहे, कुछ कट गया, रेडनेस आ गई, तो बच्चा भी इरिटेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नेक लाइन को क्लीन रखना है। मोस्टली यही कि आपको ध्यान देना है, अगर आपको पता है कि हाँ वहाँ पे कुछ हो सकता है तो आप क्लीन तो रखेंगे ही, तो बस इतना ही देखना है कि हाँ नेक फोल्ड को उठा करके देख लीजिए कि वहाँ पे कोई गंदगी तो नहीं। ऑलराइट, क्लीन किया, उसके बाद थोड़ा सा पाउडर डाल दिया ताकि वहाँ पे ड्राइनेस बने, स्वेटिंग बार बार हो, उससे बच्चे को परेशानी ना हो। तो अगेन शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, इन्फॉर्मेटिव था, तो उसे लाइक करिए, सारे ऐसे ही न्यूबॉर्न बेबीज के पेरेंट्स से शेयर करिए और कमेंट्स में थैंक्स लिखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माय चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।